कंप्यूटर फील्ड में जॉब करने की सोच रहे हो तो सबसे पहले आपको टाइपिंग में महारत हासिल करनी पड़ेगी और बहुत सारे लोग ये सोचते रहते हैं कि यार टाइपिंग में स्पीड कैसे बढ़ाए मतलब कंप्यूटर टाइपिंग में स्पीड कैसे बढ़ाए लेकिन ये सोचने की बात थोड़ी ना दोस्तों प्रैक्टिकल करना पड़ेगा लेकिन बहुत सारे लोग गलत ढंग से प्रैक्टिस करते इसकी वजह से उनका टाइपिंग स्पीड कभी नहीं बढ़ता है तो सही ढंग कौन सा है टाइपिंग स्पीड बढ़ाने का ये अगर आप जानना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए मैं लेके आया हूँ टाइपिंग स्पीड बढ़ाने के सेवन ऐसे टिप्स जिससे आपका टाइपिंग स्पीड डेफिनेटली बढ़ेगा अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हो तो, तो इंतजार किस बात का सीधी बात नो बकवास कंप्लीट टेक्नोलॉजी चैनल पर मैं सतीश आप सबका स्वागत करता हूँ ये वीडियो शुरू करते हैं खास लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं कि आप कंप्लीट टेक्नोलॉजी चैनल पर हो तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया है उस पर क्लिक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले और आप कंप्यूटर में स्मार्ट बने डेफिनेटली बनोगे यार साथ ही में हमारी एक वेबसाइट है जिसका नाम है लन मोप्रो डॉट कॉम जिसके ऊपर ढेर सारे कोर्सेज के ऑफर चल रहे हैं और वहाँ पे कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स भी लॉन्च होने वाला है ऑफर के साथ दोस्तों तो अगर आप कंप्यूटर में एक्सपर्ट बनने की सोच रहे हो तो आपको लर्न मोप्रो डॉट कॉम वेबसाइट को जरूर विजिट करना चाहिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिए ढेर सारे कोर्सेस के ऑफर आप अभी चेक कर लीजिएगा और कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स

बाकी चीज के की ऊपर रेस्ट करेगी यानी ये मिडल रो और होम रो जिसे हम कहते हैं उसके ऊपर रेस्ट करेगी और आपको बार बार ये देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप कीबोर्ड पे कौन से लोकेशन पे कौन से पोजीशन पे आपने आपकी फिंगर्स रखी हुई है और होम रो पे फिंगर आपको इस तरह से रखनी होगी जैसे मैंने यहां पे आपको दिखाया है लेफ्ट हैंड से अगर आप शुरुआत करेंगे तो लिटिल फिंगर ए पे रहेगी उसके बाद रिंग फिंगर एस पे मिडल फिंगर डी पे और फर्स्ट फिंगर एफ पे रहेगी और थम से आपको स्पेस बटन प्रेस करना होगा और ठीक उसी तरह से राइट हैंड की फिंगर्स आपकी जे के और जेके पे रखनी होगी इसके बाद बीच में जो दो कीज है जी और एच वो भी आपको फर्स्ट फिंगर से प्रेस करनी होगी इस तरह से शुरुआती कुछ दिनों में आपको रो की प्रैक्टिस करनी होगी इसकी प्रैक्टिस के लिए ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट्स है जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं उस वेबसाइट को विजिट करके आप रो की प्रैक्टिस कर सकते हैं टिप्स नंबर टू अब हमने मिडल रो तो देखा इसके बाद आपको टॉप रो और बॉटम रो की प्रैक्टिस करनी होगी उसके लिए आपको इसी तरह से फिंगर सेट करनी होगी यहाँ पे इमेज में आप देख सकते हैं कि कौन से कीज के लिए कौन सी फिंगर आपको यूज़ करनी है यहाँ पे मैंने आपको कलर में दिखाया है शुरुआती दिनों में आप इसकी प्रैक्टिस करते समय आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होगा लेकिन जैसे जैसे आप इसकी डेली प्रैक्टिस करेंगे डेफिनेटली आपको बहुत कंफर्टेबल फील होगा और आप खुद में इंप्रूवमेंट देखोगे कि आपका टाइपिंग स्पीड कैसे बढ़ रहा है अब टिप्स नंबर थ्री की तरफ बढ़ते टाइपिंग करते समय आपको की बोर्ड बार बार नहीं देखना है फिंगर सेट करने के बाद आप उसे स्लो में टाइप करेंगे तो भी चलेगा पर आपको पे नहीं देखना है जो भी चीज आप टाइप करने वाले उसे आपको आपके मन में बोलना है अब आप बोलोगे इससे क्या होगा इससे आपके सबकॉन्सियस माइंड को यह याद रहेगा कि कौन सी फिंगर कौन से की के लिए है क्योंकि टाइपिंग खाली हाथों का, का काम नहीं है दोस्तों दिखता तो हाथों का काम है लेकिन दिमाग इसमें आपके हाथों को इंस्ट्रक्शन भेजता है दिमाग यानी ब्रेन अगर इंस्ट्रक्शन भेजेगा तभी तो हाथ काम कर पाएंगे ना दोस्तों सही है कि नहीं अब बढ़ते टिप्स नंबर फोर की तरफ टाइपिंग के लिए कैसे बैठना चाहिए यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों क्योंकि टाइपिंग स्पीड बढ़ाने के लिए आपको कई घंटों की प्रैक्टिस लगती है आपको आगे झुककर बैठ के टाइप करने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए स्क्रीन और आपके बीच में लगभग 45 सेंटीमीटर का अंतर रखने की कोशिश करें और अपने हथेली को 90 डिग्री में रखें ज्यादा नीचे या ऊपर ना रखें स्क्रीन का ब्राइटनेस आपके हिसाब से एडजस्ट कर ले ज्यादा या कम ब्राइटनेस आपकी आंखों को तकलीफ दे सकता है राइट अब टिप्स नंबर फाइव की तरफ बढ़ते हैं टॉप रो और होम रो और बॉटम रो इनकी प्रैक्टिस हो जाने के बाद आपको इस सेंटेंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए सेंटेंस क्या है द क्विक ब्राउन फॉक्स द लीजी डॉग अब ये कोई स्टोरी नहीं बता रहा हूं मैं दोस्तों ये सेंटेंस की एक खास बात है इसमें ए टू जेड सारे अल्फाबेट कवर होते हैं आप देख लेना खुद चेक करके ए टू जेड सारे अल्फाबेट आते हैं और इसकी वजह से आपके ए टू जेड अल्फ़ाबेट की प्रैक्टिस रिपीट रिपीट हो जाएगी अगर आप इस सेंटेंस को टाइप करते हो क्योंकि कोई ऑर्डिनरी पैराग्राफ आप लेते हो तो उसमें शायद ये सारे अल्फाबेट की प्रैक्टिस आपकी रिपीट रिपीट हो सकती है लेकिन द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ऑफ द लेजी डॉग प्रैक्टिस शुरू कीजिएगा टिप्स नंबर सिक्स आपको पता ही है

अब ज्यादा जोर से या फ्रस्टेड होकर टाइप करने से कोई मतलब नहीं है उससे टाइपिंग स्पीड तो बढ़ने वाला है ही नहीं है उल्टी आपकी क्योरेसी कम होगी इसलिए कीबोर्ड से उंगलियां हल्के से चलाएं और आपके नाखून बड़े रहेंगे तो उसे कटवा दें क्योंकि नाखूनों से टाइप करने की कोशिश ना करें उससे आपका स्पीड नहीं बढ़ने वाला है और मेरा रिकमेंडेशन आपको ये रहेगा कि टाइपिंग करते समय आप किसी से बात ना करें यानी कि टाइपिंग जब आप सीख रहे हो तो आपको जो कीज़ आपको टाइप करने हैं उसे आपके मन में बोलना है आपको किसी से बात नहीं करनी है हाँ एक बार आप एक्सपर्ट हो गए तो आप बात करते करते भी टाइपिंग कर लोगे दोस्तों जी हाँ ज़रूर कर लोगे लेकिन आप जब सीख रहे हो तो आगे आने वाले जो वर्ड्स है उसे आपके मन में स्कैन कर लो पढ़ लो और उसके बाद आपके ऑटोमेटिकली टाइपिंग स्पीड बढ़ने वाला है तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है अब ये सात टिप्स के अलावा कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा टाइपिंग से रिलेटेड और वर्ड से रिलेटेड सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर आपको एक वर्ड दिखाई दे रहा है टाइप राइटर इस वर्ड की खासियत यह है कि इसमें टॉप रो के अल्फाबेट यूज किए गए टॉप रो के अलावा मिडल और बॉटम रो को बिल्कुल यूज नहीं किया है आप जरा चेक करके देखिएगा और क्या आपको पता है कि आप टाइपिंग करते हो तो आपका लेफ्ट हैंड 56 परसेंटेज टाइपिंग करता है मतलब ये कि दोनों हाथ में से लेफ्ट हैंड 56 परसेंटेज और राइट right हैंड 44 परसेंटेज टाइपिंग करता है मैं नहीं कह रहा ऐसा रिसर्च ने प्रूव किया है और साथ ही में हमारी एक वेबसाइट है जिसका नाम है लेन जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी जहां पे चल रहे ढेर सारे कोर्सेज के ऑफर कंप्यूटर कोर्सेज के ऑफर बेसिकली ये कंप्यूटर कोर्सेस आपको कंप्यूटर में एक्सपर्ट बनाने के लिए दोस्तों यहां पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का फुल कोर्स है यहां पे डी पूरा कोर्स है जहां पे पंद्रह कोर्स एक साथ मिलने वाले यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पूरा पैकेज है यहां पे एम का भी कोर्स है यहां पे वीडियो एडिटिंग का भी कोर्स है और यहां पे आपको मिलने वाला है फोटोशॉप और कोरल ड्रॉ के भी कोर्स यहाँ पे ढेर सारे कोर्सेज आपको एक साथ पैकेज में मिलने वाले और ऑफर में कोर्सेस है तो जल्दी से जाकर वेबसाइट को चेक कीजिए यहाँ पे कोर्स सर्टिफिकेट के साथ मिलने वाला है तो कोर्स सर्टिफिकेट कोर्स टेस्ट प्रैक्टिस फाइल सारी चीज़ें आपको एक साथ मिलेगी और जैसे ही आप इनरोल करोगे वैसे कोर्स आपको एक्टिवेट मिलेगा आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है तो ये पोर्टल आपके लिए बहुत ही यूजफुल है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए जरूर चेक कर लेना लर्न सो कैसी लगी ये कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड बढ़ाने की सात टिप्स डेफिनेटली आपको पसंद आई होगी और पसंद आई तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और हमारे जितने भी चैनल है उनकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है साथ ही हमें हमारी वेबसाइट लर्न डॉट कॉम और लर्न मोर इंडिया डॉट इन इन वेबसाइट की भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है जिससे आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज जरूर मिलेगा ज़रूर चेक कीजिएगा इंतज़ार किस की बात का कर रहे हो फ़िलहाल के लिए मैं सतीश लेता हूँ आपसे अलविदा सीखते रहो सिखाते रहो और अपना ख्याल भी रखो यार बाय बाय